वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे कि आपको पता है अब फेस्टिव सीजन आ गया है, अभी गणपति है, फिर दशहरा एंड दिवाली, ऑल ऑफ दैट आ रहे हैं एंड उस फेस्टिवल्स की तो लाइन लगी हुई है और फेस्टिवल्स के टाइम तो हमारी लाइन लगती है पार्लर में बिकॉज ऑल ऑफ अस नीड दैट हेल्दी लुकिंग ग्लोई स्किन। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन अभी एट द मोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्लो एंड शाइन करी, दैट इज़ बिकॉज मैंने फेशियल किया है खुद का खुद एट होम। एंड वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं सब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये वीडियो में। तो ये जो वीडियो के लिए मैं आज फेशियल किट यूज कर रही हूँ वो है VLCC का डायमंड किट। VLCC का ये डायमंड किट आता है बहुत सारे वेरिएंट्स में, गोल्ड है, इंस्टेंट ग्लो है, पर्ल है, बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। तो मैंने चूज किया है डायमंड वाला, दैट इज फॉर योर स्किन पॉलिशिंग एंड प्यूरिफिकेशन। के साथ आपको मिलते हैं ये 6 ट्यूब्स, ये एक एक सिंगल ट्यूब 10 ग्राम्स का प्रोडक्ट इसमें आता है एंड इन्होंने लिखा है दैट दिस इज़ वन टाइम यूज बट ये ट्यूब्स आराम से 2 टाइम आपको फेशियल एट होम के लिए यूज हो जाती है। ये बॉक्स आता है 350 रुपीज में, ये पर्टिकुलर 350 में है, इनका वेरिएंट अलग अलग प्राइस में आता है, डायमंड वाला इस पर 350 एंड अगर आपको 350 में घर पे बैठ के 2 टाइम फेशियल करने मिल रहा है तो आई थिंक इट्स अ स्टील बिकॉज पार्लर में आजकल 800-900 के नीचे कोई भी फेशियल्स नहीं होते। तो मैंने इसको पहले कभी भी यूज नहीं किया था, दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मैंने यूज किया एंड आई एम रियली हैप्पी विद द ग्लो दैट हैज गिवन मी। तो पहले तो हम लोग पीछे चलते हैं एंड स्टार्टिंग से दिखाती हूँ मैं कि मैंने ये सारा फेशियल घर पे कैसे किया। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 के लिए जो है क्लेंजर कम टोनर। तो आई हैव वॉश्ड माय फेस एंड आई यूज दिस एज अ टोनर ऑन माय स्किन। यहाँ पे पीछे हर एक ट्यूब के पीछे उसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है अप्लाई VLCC क्लेंजर कम टोनर ऑन फेस एंड नेक, मसाज इन सर्कुलर मोशन एंड वाइप ऑफ विथ मॉइस्ट कॉटन। I have taken a wet cloth and I'll just remove it all. Do not rub it on your skin, just halke haathon se wipe kar rahi hai. Number 1 ho gaya hai, mera skin pura cleanse ho gaya hai. Now we'll move on to step number 2, that is your scrub. Now scrub, like I always say, please apni skin pe harsh ली बिल्कुल रब नहीं करना है। स्क्रब मिनिमल प्रेशर से आपके स्किन पे स्क्रब करना है और हर एक ट्यूब के साथ ये भी आता है, सो इट जस्ट कीप्स द प्रोडक्ट इंटैक्ट। आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ स्क्रब एंड मैं अपना फेस थोड़ा सा वेट कर लूँगी बिकॉज मेरे को स्किन मेरा ये नहीं करना है, रैश नहीं लाना है मेरे स्किन पे। फिंगर्स एंड पहले मैं तो अपना नोज ही अटैक करूंगी बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स होते हैं। ये स्क्रब बिल्कुल भी हार्श नहीं है, ये जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना स्क्रब के, कोई कोई स्क्रब के बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं एंड यू नो वो लगते हैं अपने स्किन पे, ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है, ये बहुत मिनिमल छोटे छोटे से है। दैट्स अ गुड थिंग। रिमेंबर वट एवर यू डू नेवर एवर पुल योर स्किन डाउन। जब भी आप नॉर्मल स्किन का मॉइस्चराइजर भी लगा रहे हो ना तो भी कभी भी स्किन का मॉइस्चराइजर ऐसे नहीं लगाना है, हमेशा ऐसे लगाना है। अंडर आई पे आई विल नॉट यूज द स्क्रब, नेवर यूज द स्क्रब ऑन योर अंडर आई। आई टेक द सेम नैपकिन अगेंस्ट, टेक इट ऑफ। भले पार्टिकल्स छोटे थे बट वो इफेक्टिव थे। अभी टाइम है स्टीम का, तो लेट्स जस्ट मूव ऑन एंड टेक स्टीम ताकि हम लोग ये ब्लैक हेड्स जो है वो रिमूव कर सके, व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स। तो मैंने स्टीम ले ली है एज यू कैन सी। अब मैं अपने जो वाइटर रिमूवर है उससे अपने वाइट हेड्स रिमूव करूँगी। ऑब्वियसली आई नॉट डू इट ऑन स्क्रीन, आई डोंट वांट टू ग्रोस यू गाइस। तो मैं ये पहले निकाल के एंड देन आई मीट यू। तो मेरे ब्लैक हेड्स रिमूव करके हो गए हैं। मैं यूजुअली यहाँ से और यहाँ से निकालती हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम एरिया है। तो वो मैंने बहुत हल्के हाथों से निकाला है, मैं ज़्यादा वो उसको प्रेस करके नहीं निकालती हूँ, जितने वो ईजिली निकल जाए उतने निकालती हूँ। एंड जब के आप स्टीम लेते हो तो वैसे भी वो ईजिली निकल जाते हैं। अभी मैं जब हाथ अपना ये कर रही हूँ यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी ब्लैक हेड्स नहीं लग रहे।
जो ये जो रेड पार्ट है वो थोड़ी देर में चला जाएगा, सो इट डजंट हैव टू बॉदर यू. बहुत फ्रेश फील हो रहा है. ऑल्सो ये जो प्रोडक्ट्स अभी तक मैंने जो दो यूज किए उसका स्मेल बहुत ज्यादा नाक में जाने वाला नहीं है, तो स्मेल भी बेरेबल है, अच्छा प्लेजेंट स्मेल है. लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 3, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे डायमंड डिटॉक्स लोशन. टेक एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द लोशन ऑन योर फिंगर टिप्स एंड अप्लाई ऑल ओवर द फेस एंड नेक. मसाज विथ लाइट सर्कुलर अपवर्ड मोशन अंटिल अब्सॉर्ब. मतलब ये वॉश करके नहीं निकालना है, वी हैव टू यूज दिस एज अ लोशन एंड नॉट वॉश इट. टेक अ हैंड ऊप्स हैंडफुल ऑफ दिस फिंगरफुल ऑफ दिस नॉट हैंडफुल बी जेनरस. एकदम कंजूस जैसा ये प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, बिकॉज इसका कोई फायदा ही नहीं होगा अगर हम लोग ने कम यूज. ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, यू कैन सी वॉटर ही है इसका कंसिस्टेंसी. फेशियल का मेन पर्पस यही होता है कि हमारा जो फेस का वेन्स होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो मसाज से इम्प्रूव होता है, एंड दैट इज वी हमारी स्किन अच्छी लगती है. प्लस आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो ना, उसको जब आप सर्कुलर मोशन में या फिर मसाज करते हो अपने स्किन पे, तो जब वो अब्सॉर्ब होता है अच्छे से, तो आपकी स्किन ग्लो करने लगती है. दैट इज वाई प्रोडक्ट इज द नंबर वन थिंग, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू मसाज योर फेस. एंड ऐसा नहीं कि जब फेशियल करना है तभी मसाज करना है. व्हेन एवर यू आर सिटिंग एट होम, जस्ट टेक अ लोशन एंड मसाज योर स्किन. दैट विल गिव यू द ग्लो. लास्ट में आके दो दिन है फेस्टिवल्स को और मैं आज फेशियल करूंगी, तो वो ग्लो नहीं आएगा जितना आप महीने भर से थोड़ा थोड़ा करोगे, उससे ग्लो आएगा. रिमेम्बर दैट. सी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. स्टेप नंबर 4, दैट इज डायमंड मसाज जेल. तो इसको तो जेनरसली ही लेना है और तब तक मसाज करना है तब तक ये अब्सॉर्ब नहीं हो सकता. बट लेट मी जस्ट रीड द डायरेक्शंस फॉर यू. अप्लाई जेनरसली ऑन क्लीन स्किन एंड मसाज जेंटली फॉर 5-10 मिनट्स इन सर्क्युलर एंड अपवर्ड स्ट्रोक्स. वाइप ऑफ विद अ मॉइस्ट कॉटन. ओ, दिस इज क्लियर. बाकी सारे थे ना वो व्हाइट कलर में थे. दिस इज अ क्लियर मसाज जेल. और अगर आपको देखना है कि ये सारे प्रोडक्ट्स में क्या, ओ दिस हैज ग्लिटर इन इट, या तो अगर आपको देखना है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, तो ये जो मेन पैक है ना, इसके पीछे हर एक क्रीम का इंग्रेडिएंट मेंशन किया है. तो किसी को कोई प्रोडक्ट्स नहीं जमते हैं स्किन पे, तो यू कैन ऑलवेज चेक कि आपको कौन सा सूट करेगा इंग्रेडिएंट. अभी ये जो है डायमंड पैक है, इसीलिए शायद इसमें डायमंड्स है. वाओ. तो मुझे जितने स्टेप्स पता है मैं उतने कर रही हूँ, बट आई एम श्योर जो मेरी मम्मी देख रही है ना अभी ये वीडियो, वो कोई ना कोई स्टेप मुझे फोन करके बोलेगी तूने नहीं किया. बिकॉज यूजुअली मैं शादी के पहले भी पार्लर नहीं जाती थी, मेरी मॉम ही मेरा फेशियल करती थी घर पे, तो उसे सारे स्टेप्स पता है अच्छे से, वो तो ये वीडियोस भी देखती है. मुझे इतना स्किन केयर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, जितना भी है मतलब थोड़ा बहुत की अच्छी दिखे स्किन उतना ही है. बट शी लाइक्स टू वॉच ऑल दिस. Finger. Normally I'll just rub it over my eyes. Aram milta hai. So it is now 10 minutes ki maine apni skin pe properly massage kar liya hai. और काफ़ी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो चुका है मेरी स्किन में. जो बचा हुआ प्रोडक्ट है दैट आई विल वाइप ऑफ नाउ यूजिंग द टॉवल या नैपकिन. यू कैन ऑलरेडी सी द डिफरेंस. मतलब ग्लो जो बोलते हैं ना, वो ग्लो लग रहा है मेरी स्किन पे. थोड़ी सी टायर्ड स्किन लग रही थी
फेयर लग रही थी, ब्राइट लग रही थी बिकॉज मैंने कल ब्लीच किया था, बट थोड़ा वो टायर्डनेस था ना, वो थोड़ा सा ना हेल्दी ग्लो जो बोलते हैं वो अभी दिख रहा है मेरी स्किन पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, किस स्टेप नंबर 5 जो है डायमंड वॉश ऑफ मास्क। एंड यहाँ पे लिखा है अप्लाई जेनरस लेयर ऑन फेस एंड नेक अवॉइडिंग आई एरियाज, लीव इट ऑन फॉर 10-15 मिनट्स एंड वाइप विथ मॉइस्ट कॉटन और रिंस ऑफ। तो ये मास्क है, फेस मास्क जो होता है वो है। फाइनली इसका टॉप निकल गया है एंड लेट अस जस्ट सी के अंदर का प्रोडक्ट कैसे है। ओके, तो ये हल्का सा ऑफ वाइट प्रोडक्ट है एंड इसके अंदर भी डायमंड जैसे पार्टिकल्स, स्पार्कली पार्टिकल्स है। आई जस्ट पुट इट ओवर माय स्किन। तो ये मास्क मैंने लगा दिया, आई विल कीप इट फॉर 10-15 मिनट्स एंड देन वॉश इट। यू कैन सी माई स्किन इज लुकिंग सो हेल्दी एंड सो ग्लोई। फेशियल का जो असर है ना, आई मीन इफेक्ट, वो थोड़े टाइम बाद दिखता है आपके स्किन पे। अभी तो फिलहाल दिख ही रहा है बट इससे भी ज़्यादा ग्लो द नेक्स्ट 2-3 डेज में आ जाएगा। तो इसीलिए कोई भी फंक्शन के 2-3 दिन पहले फेशियल करना चाहिए। एंड नाउ वी आर डन विद आवर फेशियल एंड लास्ट स्टेप नंबर 6 स्टेप जो है वो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल। इधर लिखा है अप्लाई इवनली ऑन द फेस नेक पोस्ट फेशियल। सो दिस इज द लास्ट स्टेप। दिस इज ऑल्सो वेरी वाटरी येलोइश काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइजर। दिस इज ऑयल फ्री, तो ये आपको बहुत चिपकू चिपकू फीलिंग नहीं देनी चाहिए, बट लेट्स सी, आई विल टेल यू गाइस हाउ इट फील्स। तो गाइज मेरे को ये मॉइस्चराइजर लगा के अभी 5-10 मिनट्स हो गए हैं एंड ये मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी स्टिकी है, ऑयली नहीं है, जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही है। एंड जस्ट लुक एट दैट ग्लो, आई एम सो इन लव विद दिस ग्लो, आई एम रियली रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। उन्होंने बोला था दैट इट गिव्स यू अ डायमंड लाइक ग्लो, वो तो मिल चुका है। यहाँ पे ग्लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको यूज़ करना है तो आप कोई भी वेरियंट यूज़ कर सकते हो, गोल्ड या जो भी अवेलेबल है आपके नेसेसिटीज़ के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप कोई भी वेरियंट चूज कर सकते हो। तो मेरा ये वीडियो था VLCC डायमंड फेशियल किट पे, जो कि मेरे रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट एट होम क्विकली विदाउट स्पेंडिंग टू मच ऑफ मनी इन पार्लर, आई थिंक दिस इज अ गो टू प्रोडक्ट, यू मस्ट यूज इट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, फिर मिलेंगे।